चुनावी साल में मंत्री जी की कबड्डी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बार फिर अलग अंदाज देखने को मिला है। मंत्री तोमर ने कबड्डी के खेल में अपनी टीम के साथ मैदान में उतरते हुए पॉइंट हासिल कर जीत भी दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज भी कबड्डी जीती है और आने वाले समय में भी जीत दर्ज करेंगे। जनता चुनावी कबड्डी के मैदान में भी जीत दिलाएगी। दरअसल ग्वालियर विधानसभा में विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता का आज से आगाज हुआ है। होमगार्ड ग्राउंड पर कबड्डी प्रतियोगिता का क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुभारंभ किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने पार्षदों के साथ मिलकर अपनी टीम बनाई और विरोधी दल की टीम के साथ कबड्डी खेलने मैदान में उतर गए। अपनी टीम के लिए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पॉइंट हासिल करते हुए उसे जीत भी दिलाई। गौरतलब है कि विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता महिला और पुरुष वर्ग में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में 15 टीमों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को क्रमशः 31,000, 21,000 और 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार और विधायक कप ट्रॉफी दी जाएगी। आयोजन को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि हम खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मन से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। निश्चित रूप से हम खेलेंगे, कूदेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मन से, स्वस्थ शरीर से अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस भावनाओं के साथ हम सब लोग खेले हैं, निश्चित रूप से कबड्डी खेले, पॉइंट भी हासिल किया, टीम भी जीती, आगे भी जीतेंगे, कबड्डी भी जीतेंगे, जनता जीतेगी। एक दूसरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से अभी एक पत्र वायरल करा है कांग्रेस ने 50%